इलेक्शन नहीं है, ओनू सीट पे बिठाया गया, चुना नहीं गया। मेयर आज चंडीगढ़ का सीट पर बिठाया गया, चुना नहीं गया, इसीलिए हमने डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। तो अगर ऐसा ही करना है तो क्या फायदा हुआ, खेल लो भाई अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से तुम वोट ये भी कर सी ले आते बैलेट पेपर वगैरह। देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ ना, तुम तो ये बीजेपी के जो है ऑफिस बेयर है और नॉमिनेटेड काउंसलर है, फिर इन्हीं को प्रेसिडेंट अफसर बनाने पर क्यों थी, क्यों अड़ी थी बीजेपी कि नहीं होंगे, क्योंकि ये काम कर सकते थे। पिछली बार बीमार हो गए थे, चांस से ठीक हो गए, आगे 40 मिनट लेट आए हैं, क्या कर रहे थे, कहाँ थे, इनके सारे फोन टैपिंग होनी चाहिए, पिछले दिनों में इन्होंने बात कहाँ की, किस किस से कनेक्शन आई इनको। चिंता इस बात की नहीं कि 36 वोट वाला छोटा सा शहर चंडीगढ़ इन्होंने लूट लिया, चिंता इस बात की है देश का क्या होगा। देश में अभी चुनाव आने वाला है, कैसे यकीन करेंगे लोग अगर बीजेपी को ये लग रहा होगा कि हम हार रहे हैं, वो तो ईवीएम लेके भी भाग जा भाग सकते हैं, क्योंकि कैंसिल करवा दो सारी मास, बड़े लेवल पर ईवीएम लेके भाग जाओ, अगर हार रहे हैं तो बस कैंसिल करवा दो, फिर देखेंगे बाद में, इलेक्शन कमीशन भी तो इन्हीं का है, तो कौन कौन मतलब सुनेगा। तो हम तो माननीय हाई कोर्ट में जाएंगे और ये दिखाएंगे इन पर पर्चा करने की, क्यों नहीं, हु इज दैट गाय जो इनके पर, उसने कहा ये इधर रख दो, नहीं कहते इधर रखें, फिर उधर में से इधर करके, फिर उधर को इधर से कर, तो कौन था एजेंट, कौन था, क्या पता, आपको पता चल गया था कि कौन सी, ऐसे तो जा तो फिर पीछे से जूम होता ना, पीछे कैमरा होता, पीछे से जूम होता कि हाँ ये पता चलता, ऐसे ही अपनी मर्जी से ऐसे कर रहा है, अपनी मर्जी से ऐसे कर रहा है, कभी साइन ऐसे कर रहा है, कभी साइन ऐसे करके ऐसे कर रहा है, मुझे तो